अस्सलामुअलैकुम जी, ये है सेकंड वॉशिंग मशीन। मैं आपको इस सिंगल वॉशिंग मशीन का भी जो है वो कवर सीना बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताती हूँ जी। ये है थर्माकोल, जो कि हर वॉशिंग मशीन या फ्रिज या किसी भी चीज़ की जो पैकिंग है उसके साथ जो है वो आपको थर्माकोल मिलता है। तो इसी तरह जो है वो मुझे भी जो है इसकी सेटिंग के साथ इसकी पैकिंग के अंदर जो है वो ये मिला है। तो इसका क्या करना है, क्या किया जा सकता है, इसके लिए मैं आपको पहले आइडिया दूँगी जी। ये हमारी सिलाई मशीन, और सिलाई मशीन का जो है मैंने आपको मेकओवर करना बताना था। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये है जी स्टिचिंग कॉर्नर। मैं इसे स्टिचिंग कॉर्नर बनाने वाली हूँ। ये यहाँ से, जैसे कि ये मेन एंट्री गेट है और यहाँ पे फ्रिज पड़ा है, तो ये इसके साथ थोड़ी सी जो जगह बची थी यहाँ पर मैंने जो है वो सिलाई मशीन को सेट किया है, क्योंकि यहाँ पर रोशनी और हवा बहुत अच्छी आती है, क्योंकि सामने जो है वो दोनों रूम है और उनका जो है वो डक खुलता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर हवा रोशनी बहुत अच्छी है। तो करना यह है कि आपको इसके बारे में बता दूँ कि इससे क्या किया जा सकता है। स्टिचिंग कॉर्नर को जो है वो डिज़ाइन करने के लिए और डेकोरेट करने के लिए जो है वो इसका यूज़ किया जा सकता है। ये जो इसका सेकंड डिज़ाइन था, इसको भी जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, और ये काफ़ी काम भी आ सकता है। इसके जो बॉक्सेस हैं इनके अंदर जो है वो स्विंग से रिलेटेड सामान लटकाया जा सकता है। तो इस तरह जो है वो इसका ये हिस्सा कवर हो जाएगा, यहाँ पे मैप लगाए जा सकते हैं। इस हिस्से को डेकोरेट करेंगे हम, और ये जो सिलाई मशीन है इसको भी जो है हम ब्लैक नहीं रहने देंगे, इसके ऊपर भी जो है वो हम ग्लू से मैगजीन लगाएंगे, तो ये पूरा जो है फिर बहुत अच्छे से डिज़ाइन हो जाएगा। और कम्प्लीट वीडियो आपको देखने को मिलेगी मेरे चैनल पर।